देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। आज मैं देख सकते हैं आपके पास जो भी है दूध आधा लीटर एक लीटर आप डाल करके आप बादाम शेक बना सकते हैं। इस तरीके से आप डाल दीजिए दूध को और डालने के बाद इसको एक उबाल आने दीजिए। झटपट बनने वाली बादाम शेक को देख सकते हैं, ये बादाम है। बादाम को बादाम और ये काजू है, इसको चलते हैं थोड़ी मिक्सी में पीसने के लिए। थोड़ी सी ऐसा ही सूखा ही ड्राई को पीस लेना है, इसमें पानी नहीं डालना है। और इसको थोड़ी सी पीसने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये दूध है। आपका जितना इच्छा है आप उतना में बना सकते हैं, आधा लीटर एक गिलास या दो लीटर, आप जितना में दूध में आप बनाना चाहते हैं आप उतना दूध में बना सकते हैं। क्योंकि मिल्क शेक बनाने के लिए, बादाम शेक बनाने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास एक केजी ही दूध होना चाहिए या तो आधा लीटर होना चाहिए, वैसा नहीं है। आप एक गिलास से भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और झटपट बनती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत समय लगेगी, फटाफट केवल ठंडा करने में जो भी आपको समय लगेगा पर बनने में समय नहीं लगती है। क्योंकि दूध केवल उबालना है, दूध को उबालना है और जो बादाम है बादाम और काजू उसको पीसना है और उबालना है, बस और कुछ ज्यादा नहीं करना है। अब देख सकते हैं मेरे दूध में एक उबाल आ चुकी है। मैं यहाँ पर चीनी डाल देती हूँ, आप चाहे तो आप पिसरी भी डाल सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज वाले लोग तो नहीं खाते हैं ना चीनी, तो आप उसमें मिश्री डाल सकते हैं। इसको उबल गई है, अब इसमें आप मीठा के अनुसार आप जितना चीनी आप चाहे एक चम्मच दो चम्मच, क्योंकि बादाम शेक में अगर मीठी नहीं रहेगी ना तो अच्छी नहीं लगती, तो थोड़ी सी मीठी ही होनी चाहिए। तो आप उसी के अनुसार आप चीनी डालें ताकि आपको जितनी मीठी चाहिए, कम मीठा अगर चाहिए तो आप कम चीनी डालिए थोड़ी सी, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा मीठी पीना है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डालिए, ताकि आपका चीनी जो है मीठा अच्छी तरह के हो तो पीने में ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देख सकते हैं उबाल आ गई है, चीनी भी मेरी थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, अब नहीं है चीनी पिघल गई, देर नहीं लगती है इसलिए। अब जब मैं पीस के रखी थी वो मैं डालूँगी यहाँ पर, या तो आप कूटी हुई इलायची डालें या तो फिर आप जो पाउडर मिलती है उसको भी आप डाल सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है उसी को आप डालिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ नहीं है वो लाना पड़े आपको दुकान से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपके पास अगर नहीं है तो भी आप नहीं डाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, बादाम और काजू मैं जो पीस के रखी थी उसका पाउडर मैं पीस ली है। इस तरीके से बारीक पीस लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, ताकि इसमें मेल्ट हो जाए और मेल्ट होने के बाद गाढ़ी हो जाए मेरी दूध, इसलिए। ये देख सकते हैं मैं डाल दी, थोड़ी थोड़ी चलाते रहना है, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन जाएगी छोटी छोटी, तो अच्छी नहीं लगेगी, चलाते रहना है और थोड़ी सी इसको उबालना है इस तरीके से, ताकि जो मैं बादाम डाली भून के तो मैं नहीं डाली, बादाम और काजू मैं जो डाली है वो अच्छी तरह से पक जाए, और ये जो डाली थी मैं उबाल आएगी तो जो लम्स बन रही है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी अगर उबलेगी मिलाते रहेंगे तो। आप गाढ़ी करने के लिए आप थोड़ी सी इसमें क्या बोलते हैं नारियल चूर भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर भी थोड़ी एक चम्मच आप डाल सकते हैं,
उससे गाढ़ी हो जाएगी। गाढ़ी होने के बाद थोड़ी सी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगने लगती है, कलर भी चेंज हो जाती है। इस तरीके से बनाना है। कितनी अच्छी उबाल आ रही है। अब मैं इसमें थोड़ी सी एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूंगी, क्योंकि मैं रखी थी घोल करके, वो मैं डाल दे रही हूँ। ताकि कच्चापन ना लगे इसलिए, और गाढ़ी हो जाए। बस थोड़ी सी उबाल आने देना है, क्योंकि जब मैं कस्टर्ड पाउडर डाली तो उसमें थोड़ी सी उबलेगी नहीं तो कस्टर्ड का स्मेल आने लगेगी। थोड़ी सी एक उबाल आएगी तो मैं बंद कर दूंगी। ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं रखना है। देख सकते हैं कि इस टाइप का बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगी तो ठीक टाइप का हो जाएगी तो पीने में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरीके से शाही बादाम मिल्क शेक बहुत ही अच्छी लगती है। ठंडा ठंडा जब आप फ्रिज से निकालते हैं और पीते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। इससे हानि नहीं करती है और फायदे है, क्योंकि दूध से बनी हुई है, इसमें बादाम पड़ी हुई है, काजू पड़ी हुई है। आप इसमें वैसी कोई चीज़ नहीं डाले हैं जिसको आपको हानि पहुँचे, फायदे वाले चीज़ है। और ठंडी ठंडी जब बाहर से आते हैं तो एकदम गर्मी लगने लगती है, तो उस वक्त पीने से एकदम ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी हो बाहर से आए हुए हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। ये देख सकते हैं मेरी उबाल आ चुकी है दूध में। अब मैं बंद कर दूंगी। अब बंद करने के बाद मैं जा रही हूँ फ्रिज में रख दूंगी ताकि ठंडी हो जाए, और ठंडी होने के बाद मैं दिखाती हूँ कि जब ठंडी ठंडी निकाल के खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे तो बेहद ही पसंद करते हैं। ये लीजिए मेरे बादाम शेक मिल्क बनके तैयार हो गई है, ठंडी हो गई है और फ्रिज में मैं रख दी थी। देख सकते हैं इस तरीके से गाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पतली। अब मैं गिलास में डाल देती हूँ तरीके से। ये ठंडी ठंडी खाने में बहुत ही मजा आती है, खाने में और पीने में। आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा इस तरीके से। देख सकते हैं गर्मा गर्म नहीं, ठंडी ठंडी सर्व अगर आप करते हैं किसी को, मेहमान हो या तो कोई भी आए हुए हैं आपके घर में, या आपके बच्चे हैं कोई भी हो, अब ठंडी ठंडी पेश करिए, देखिएगा बहुत ही पसंद करेंगे और बहुत ही बार बार रोज बोलेंगे बच्चे आपके कि मम्मी आप बनाइए, कोई वाला चीज चाहिए, बादाम ही सेक दीजिए हमको। इस तरीके से थोड़ी सी सजा देना है। यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, चेरी भी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए थोड़ी सी तरबूज है, काट के मैं रखी थी कट करके, उसको भी मैं थोड़ी सी डाल दे रही हूँ। ताकि जब आप ठंडी ठंडी पिए या पिलाए किसी को तो बोले कि वाह क्या चीज आप बनाई है, मन खुश हो गया पीने के बाद। देख सकते हैं इस तरीके से सजा देना है।
चम्मच भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए लौकी तैयार हो गई है। अब आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार जरूर बना के देखिएगा कैसा लगता है। बहुत ही टेस्टी लगती है, यम्मी लगती है खाने में, ठंडी ठंडी रहती है ना। आइसक्रीम खाना भूल जाएंगे इस तरीके के, अगर बादाम शेक बना के आप पीते हैं और खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगती है।